क्लास 9 and 10 मॉर्निंग एंड आफ्टरनून शिफ्ट्स। सर असलम हियर। क्लास हम अपनी एक्सरसाइज 2.7 का एक क्वेश्चन नंबर 11 मैं दोबारा भेज रहा हूँ आपको, क्योंकि ये शायद इसकी वीडियो सही नहीं पहुँची थी, इसलिए मैं इसको अलग से सॉल्व करके रजिस्टर पे आपको भेज रहा हूँ। सिर्फ एक ही सवाल है ये। देखिए हमारे पास सवाल क्या है, 4 की पावर m मल्टीप्लाई 15 की पावर 4 m माइनस का 2n+1 मल्टीप्लाई 9 की पावर क्या है हमारे पास n-2m अपॉन 10 की पावर 2m और 25 की पावर -m-n। इसको हमने सवाल को दोबारा उतारा और उसके बाद इसको हमने इसको तोड़ दिया। जैसे हम देखते हैं कि 4 को हम तोड़ सकते हैं 2 में, 2 का स्क्वायर क्या होता है क्लास 4, लिहाजा 2 को हमने तोड़ दिया यहाँ पे, मल्टीप्लाई 15 को हमने तोड़ के पावर वही लगा दी जो उसके ऊपर थी, मल्टीप्लाई 3 को ब्रेक करके उसके ऊपर वही पावर लगा दी जो ऊपर लिखी हुई थी n-2m अपॉन, फिर हमने 10 को ब्रेक करके उसके ऊपर पावर 2m जो उसके ऊपर थी वो लगा दी, मल्टीप्लाई 25 को ब्रेक करके पावर वही लगा दी 5 का स्क्वायर m-n। अब अगले स्टेप पे हमने देखा 2 की पावर 2m ऐसे ही आ गया और 3 के ऊपर ये पावर आ जाएगी पूरी, तो हमने 3 के ऊपर पूरी पावर लगी 4m-2n+1। इसी तरह 5 के ऊपर भी क्लास यही पावर पूरी आ जाएगी, तो हमने 5 के ऊपर भी 4m-2n+1 ये पावर लिख दी और 3 के ऊपर जो पावर होगी वो क्या होगी 2n के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 3 की पावर 2n माइनस और ये 2 to the 4 होने के साथ 3 की पावर 2n-4m। और इसी तरह अपॉन के हवाले से हम देखते हैं, अपॉन के हवाले से हम देखते हैं क्लास, तो हमने 10 को ब्रेक किया 2 5 10 तो इसी पर 2m पावर थी और 5 की पावर 2 और इसी पर m-n पावर। तो हमने क्या, अगर 2 के ऊपर पावर लगा दी 2m और 5 के ऊपर ही पावर लगा दी हमने 2m मल्टीप्लाई 5 के ऊपर हमने इसको मल्टीप्लाई करते हुए इस पावर को इस्तेमाल किया, 2m माइनस का 4n, सॉरी माइनस का 2n, यानी 2m माइनस का 2n। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा वाइट होकर देता हूँ ताकि आपको डिस्टर्ब ना हो जी। यानी क्या हो गया ये 5 के ऊपर पावर क्या हो जाएगी 2m माइनस का 2n। इसके बाद हम नीचे देखते हैं कि हमने क्या किया कि 3 के ऊपर, यानी बेस सेम है, देखें ये दोनों बेस सेम थी ना, तो हमने एक ही 3 लेते हुए तमाम पावर्स हमने एक ही के ऊपर ऐड कर दी, यानी 4m-2n+1 ये आ गई 4m-2n+1 और ये वाली 2 और ये वाला 2n-4n भी इसी पर आई, यानी 2n-4m। अब ये प्लस का 4m, ये माइनस का 4m, ये प्लस का, ये माइनस का 2n, ये प्लस का 2n, ये दोनों कट गए, अब सिर्फ 3 के ऊपर पावर बची 1। इसी तरह 5 को हम देखते हैं कि 5 के ऊपर जो पावर थी 4m-2n+1 ये मौजूद है अभी और अपॉन में क्या है इसकी, ये 2m, देखें जो हमने नीचे ब्रेकिंग अप किया था वो 2 की पावर 2m इसके साथ कैंसिल हो गया, इसके साथ फिर अब 5 बची, 5 के पावर क्या बची आपके पास 2m+2m यानी वो और माइनस का 2n। ये जो पावर थी नीचे वाली हमने एक ही बेस बनाते हुए इसके ऊपर तमाम पावर ऐड कर दी, एक 2m ये आ गई, देखें एक 2m इसकी आ गई और एक माइनस का 2n इसके साथ यहाँ आ गया, एक ही बेस के ऊपर हमने अप्लाई कर दिया। अब 3 की पावर ऊपर से चूँकि 1 बची थी वो हमने लिख दिया यहाँ पे और ऊपर 5 के ऊपर पावर बची थी 4m-2n+1 और नीचे क्या बची थी 5 के ऊपर 4m-2n। अगले स्टेप में देखते हैं क्लास इसको हम कि देखें 3 के ऊपर तो पावर 1 का मतलब 3 ही है और 5 के ऊपर पावर हमने क्या अगर एक बेस बना ली, ये नीचे जो पावर थी ये हमने बेस एक बना ली इसकी और इस तरह ये पावर ऊपर जाके क्या हो गई, ये -4m हो गई और ये प्लस का 2n हो गई, लिहाजा अपोजिट साइन होने की वजह से देखें ये 4m, ये माइनस का 4m, इसी तरह प्लस का 2n, माइनस का 2n और प्लस का 1, ये सब कट गए, यानी कि प्लस का 2n माइनस के 2n के साथ कैंसिल हो गया, 4m माइनस का 4m प्लस के साथ कैंसिल हो गया, सिर्फ 5 के ऊपर पावर क्या बची आपकी 1, ये 3 के ऊपर और 5 बचा, आगे क्या बचा बस 3 की पावर 1, वहाँ पहले डिसाइड कर चुके वो 3 हो गया, वो 5 की पावर 1 का मतलब 5 हो गया, 5 3 15। ज़्यादा इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास सवाल, इस सवाल का क्लास 15। एक सवाल ये था 9 के हवाले से, ये मैंने आपको अभी वीडियो भेज रहा हूँ क्लास और इंशाल्लाह अब आपकी 2.7 कंप्लीट होगी और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम 2.8 को रिकॉर्ड करवाएंगे। थैंक यू वेरी मच क्लास का, क्लास 9 and 10 MFS स्कूल 10। आज हम अपनी न्यू एक्सरसाइज नंबर 2.8 की जानी बातें और उसका क्वेश्चन 1 है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट है आपके पास 1/2 + √3, इसको हमने सॉल्व में दोबारा उतारा क्लास, ये 1/2 + √3 और रैशनलाइज का मतलब क्या है,
कि इसी वैल्यू से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, सिर्फ साइन चेंज कर देंगे। देखें, 2 - √3 अपॉन 2 - √3, साइन चेंज हो गया, वापस वैल्यू सेम, वैल्यू हमारे पास सेम। अब देखिए 2 - √3 मल्टीप्लाई बाई 1 तो रिजल्ट सेम आ जाएगा, यानी -2 - √3। और यहाँ पे देखें, मैं एक छोटा सा फार्मूला आपको बता रहा हूँ कि ये a प्लस b a माइनस b जो कि बराबर होता है a² - b² फार्मूला आपको पहले भी बता चुका हूँ, कोई नया नहीं है। जैसा हमारे पास a क्या है यहाँ पे 2 और b क्या है √3, तो फॉर्मूले को मुताबिक a पे स्क्वायर मतलब 2 पे स्क्वायर, तो हमने 2 पे स्क्वायर लगा दिया माइनस। अब b पे स्क्वायर का मतलब क्या है आपके पास, √3 पे स्क्वायर, तो √3 पे हमने स्क्वायर ले लिया। अगले स्टेप में 2 - √3 ऊपर की न्यूमिनेटर ऐसे ही रहेगा, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 2 * 4, -√3 पे जब स्क्वायर लगाएंगे तो 3 बाहर आएगा, और ये बात मैं बहुत पहले भी बता चुका हूँ किस तरह बाहर आता है। 2 - √3, 4 में 3 गया तो क्या जवाब आए प्लस 1 नीचे, यानी इसका आंसर क्या हो गया 2 - √3, यानी जो सवाल था हमारे पास 1/2 + √3 का रेशनलाइज क्या निकला हमारे पास 2 - √3, ये आंसर है क्लास क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट। अब हम क्वेश्चन फर्स्ट का सेकेंड की जाने वाले, इसको मैं रब कर देता हूँ। √3 - 2 √2, ये हमारे पास इसका सेकेंड पार्ट, फर्स्ट का सेकेंड पार्ट। इसको हमने सॉल्व को उतारा क्लास 1/3 - 2 √2। अब इसको भी हमने रेशनलाइज किया है मतलब 3, अब इसका अपोजिट साइन क्या हो जाएगा प्लस 2 √2, इसी से मल्टीप्लाई करेंगे और इसी से हम डिवाइड करेंगे 2 + 2 √2। प्लस फॉर्मूला तो हमने वही लिखा है, इसको इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। 3 + 2 √2 × 1, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास 3 + 2 √2, 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद यह आ गया। इसके बाद अब हमारे पास a क्या है यहाँ पे 3 और b क्या है हमारे पास प्लस माइनस का ये 2 √2, तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला इसके मुताबिक हम क्या करेंगे, a पे स्क्वायर का मतलब 3 पे स्क्वायर लगाया हमने -2 √2, इस पे स्क्वायर लगा दिया, ऊपर की वैल्यू न्यूमरेटर ऐसी आ जाएगा 3 + 2 √2 और नीचे 3 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 9, ये मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ 2 का स्क्वायर 4, √2 से 1 2 बाहर आएगा तो 4 2 = 8। इसी क्लास के इसी सवाल को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो किस तरह करेंगे इसे सॉल्व, 3 + 2 √2 / 9 - 8 का मतलब 1, ज़्यादा आंसर क्या आ गया इसका 3 + 2 √2, ये इसका रैशनलाइज है इस क्वेश्चन का, ज़्यादा इसका आंसर आ गया क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट। अब मैं क्वेश्चन 2 के यानी हम एक पार्ट इसका आप जारी कर लीजिएगा, क्वेश्चन 3 का मैं यहाँ लिखता हूँ आपको क्वेश्चन 1 और इसका पार्ट नंबर 3 ये आपकी डायरी है। अब मैं क्वेश्चन 2 की जाने वाला हूँ, क्वेश्चन 2 का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 क्लास, इफ x की वैल्यू हमें गिवन है इज इक्वल टू 2 - √3, फाइंड आउट हमें करना है। ये सवाल आप बुक से देख के लिख सकते हैं लेकिन मैं यहाँ फाइंड आउट कर रहा हूँ मुख्तसर सी चीज़ बस जो हमें मालूम करना है, फाइंड हमें करना है x + 1/x और दूसरी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है x² + 1/x², ये दो वैल्यू क्लास हमें मालूम करनी है। ठीक है, तो हम इसकी सॉल्व की जाने वाले हैं, जो हमें गिवन वैल्यू वो क्या है हमारे पास x = 2 - √3। अच्छा क्लास, हम जानते हैं कि हमें x + 1/x मालूम करना है और x हमें गिवन है, तो यकीनन 1/x हमारी रिक्वायरमेंट हुई, तो इसका मतलब क्या, सबसे पहले हम फाइंड यहाँ क्या करेंगे सॉल्व में 1/x, और आप जानते हैं कि हर चीज़ के नीचे 1 होता है, जैसे इसके नीचे भी 1, इसके नीचे भी 1, तो मैं इन वैल्यूज़ को अगर पलट दूँ तो वैल्यू क्या बन के आ जाएगी आपकी, कि 1/x
और 1 अपॉन 2 माइनस अंडर रूट 3। अब इसके रैशनलाइज क्या होगा हमारे पास, प्लस मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 2 प्लस अंडर रूट 3, सिर्फ साइन चेंज किया बाकी सेम वैल्यू। तो 1 अपॉन x हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, यानी ये चीज़ हमारे पास इससे मल्टीप्लाई होकर आ गई 2 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन ए हमारे पास क्या है 2 और बी क्या है रूट 3। फॉर्मूला वही अप्लाई हुआ जिससे पहले अप्लाई हुआ, लिहाजा 2 का स्क्वायर हमने डायरेक्ट करा है यहाँ पे, ये 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 पे स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा, ये 2 प्लस अंडर रूट 3 न्यूमरेटर ऐसे ही रहेगा आपका, डिनोमेटर में क्या रहेगा 4 माइनस का 3, इसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ। तो 2 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 1, लेकिन देन 1 अपॉन एक्स किसके बराबर आ गया आपके पास 2 प्लस अंडर रूट 3 के। प्लस ये सवाल का हिस्सा तो ये था, लेकिन इसके बाद हमने यहाँ तक 1 अपॉन एक्स कैलकुलेट किया है। अब हम करेंगे मालूम x प्लस 1 अपॉन एक्स, जो कि हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है या फाइंड फर्स्ट फाइंड आउट है। तो x की वैल्यू क्या क्या गिवन थी क्लास हमें 2 माइनस अंडर रूट 3, ये वैल्यू x के हवाले से हो गई प्लस, और 1 अपॉन एक्स किसके इक्विवेलेंट है हमारे पास 2 प्लस अंडर रूट 3, यानी 2 प्लस अंडर रूट 3। तो ये माइनस का रूट 3 ये प्लस का रूट 3 किसके इक्विवेलेंट हो गया 2 प्लस 2 मिलके 4, यानी x प्लस 1 अपॉन एक्स किसके इक्विवेलेंट आ गया 4 के। अगर मैं इसी वैल्यू में स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो लिहाजा क्या हो जाएगा ये x प्लस 1 अपॉन एक्स पे स्क्वायर लगा दिया मैंने, इज इक्वल टू, यहाँ 4 पे भी स्क्वायर लगा देंगे। अब हमने इसको फॉर्मूले की मदद से खोल लिया a प्लस बी होल स्क्वायर के, जो आपको आता है x स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर क्या हो गया आपके पास x स्क्वायर प्लस का 2ab, ये 2 आ गया, ये x आ गया 2a, और b क्या आ गया 1 अपॉन x, ये b है हमारे पास, और प्लस 1 b स्क्वायर का मतलब 1 अपॉन x पे स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16। ये कैंसिल हो गया x ऊपर नीचे होने की वजह से। अब आपके पास क्या वैल्यू आ गई x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू 16। लिहाजा इसका आंसर क्या हो जाएगा क्लास, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, इस 2 को मैं 16 में से माइनस करूंगा तो 14 हो जाएगा, ये मैंने डायरेक्ट आपको किया है, ये 2 यहाँ के क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। लिहाजा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर की स्टेटमेंट आ गया क्लास हमारे पास 14 के। ये कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन 2। अब हम क्वेश्चन 3 की जानेंगे। क्वेश्चन 3 हमारे पास क्लास 2.8 का, इफ पी इज इक्वल टू 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, इसमें फाइंड आउट करना है हमें पी प्लस 1 अपॉन पी और पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर। इसको मैं छोड़ देता सवाल, लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अभी एक ही सवाल किया है हमने ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए इसमें। इसके सॉल्व में जब हम आते हैं तो हम पी उतारेंगे पहले, और पी के नीचे हमेशा 1 होता है, इसी तरह 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 के नीचे भी 1 होता है। जब इसको हम पलट देंगे वैल्यू तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन पी 1 अपॉन 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, इसी के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। फिर रैशनलाइज हो गई, इसके हम कॉन्टेक्ट में ला रहे हैं। अब ये चीज़ 1 से मल्टीप्लाई होगी, सेम वही जो हम इससे पहले कर चुके हैं, तो 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 अपॉन 3 प्लस, यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी का ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, लिहाजा a यहाँ पे 3 है तो 3 पे हम स्क्वायर लगा देंगे, और 2 अंडर रूट 2 आपके पास क्या है b, इस पे स्क्वायर लगा देंगे। तो 1 अपॉन p साथ चल रहा है, हम मालूम करने जा रहे हैं 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 4 टू ज़ा 8, 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 अपॉन 1, 1 अपॉन पी की वैल्यू ये हो गई,
जो कि बराबर आ गई हमारे पास 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 के। अब हम इसकी पहली रिक्वायरमेंट है हमारे पास पी प्लस 1 अपॉन टी, तो पी की वैल्यू क्या गिनती आपके पास 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, और 1 अपॉन पी की वैल्यू हम यहाँ से ले लेते हैं कि प्लस 3 माइनस 2 अंडर रूट 2। तो देखें अंडर रूट 2 ये कैंसिल हो गया, 3 और 3 मिल के क्या हो गया 6, तो पी प्लस 1 अपॉन पी किसके इक्विवेलेंट आ गया 6 के। टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो p प्लस 1 अपॉन पी पे हमने स्क्वायर लिया, यहाँ पे हम 6 पे स्क्वायर लेंगे, और यहाँ से हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कौन सा, a प्लस बी होल स्क्वायर, जो कि आपको मैं लिखवा चुका हूँ। लिहाजा p स्क्वायर का मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab, 2a, a का मतलब p और b का मतलब 1 अपॉन पी, प्लस b का स्क्वायर 1 अपॉन पी पे आप स्क्वायर लेंगे इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36। देखें ये p और ये p कैंसिल, लिहाजा पी स्क्वायर प्लस 2 बचा आपके पास और प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 36। पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 36, ये 2 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा तो 34, यानी पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 34, ये आपका आंसर है। ज़्यादा क्लास, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की जाने वाले हैं। अब हम आते हैं अपने क्लास क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। क्वेश्चन 4 हमारे पास क्लास देखें। If q is equal to under root 2 plus under root 3, find out हमें करना है q minus 1 upon q और q square plus 1 upon q square। जी ये दो find out है हमारे पास, बिल्कुल same method है इसका। सबसे पहले हम उतारते हैं क्लास q को अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3, ये और इसके नीचे 1 होता है, इन सब के नीचे भी 1 होता है, लिहाजा 1 अपॉन q इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3। वो इसका हम 1 अपॉन क्यू मालूम करने के लिए इसके रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज क्या होंगे अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3, साइन चेंज हो जाएगा, तो ये वही फॉर्मूले की मदद से हम करेंगे इसको, रूट 2 माइनस रूट 3, ये ऐसे ही मल्टीप्लाई भी आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास ए है अंडर रूट 2 और बी है अंडर रूट 3, तो रूट 2 पे हम स्क्वायर लगा देंगे, माइनस रूट 3 पे स्क्वायर लगा देंगे, आगे चल के 1 अपॉन क्यू किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, देखें अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर, ये 2 माइनस अंडर रूट 2 माइनस 3 आएगा, लेकिन इसी को आगे जाके जब हम देखते हैं तो 1 अपॉन क्यू किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन माइनस का 1। दस इसी को मैं आगे लेके जा रहा हूँ, यहाँ पे 1 अपॉन क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस, अब ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा अंडर रूट 3, किस वजह से हो जाएगा कि माइनस का 1 जो था यहाँ पे, माइनस का 1 जो यहाँ पे था इसको मैंने ऊपर अप्लाई करा दिया, जिसकी वजह से ये माइनस इसके बाद अप्लाई होगा तो ये माइनस अंडर रूट हो जाएगा प्लस, और प्लस ये अंडर रूट हो जाएगा। अब हमारे हमें क्या मालूम करना है, क्यू माइनस 1 अपॉन क्यू, फर्स्ट पॉइंट आउट हमारे पास क्या है, क्यू माइनस 1 अपॉन क्यू, तो क्यू की वैल्यू प्लस क्या हमारे पास अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3,
माइनस वन अपॉन टू की वैल्यू हमें से हासिल हुई माइनस का रूट टू और प्लस का रूट थ्री, रूट टू प्लस का रूट थ्री, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा अंडर रूट टू और माइनस प्लस माइनस ये अंडर रूट थ्री हो जाएगा। ज़्यादा अंडर रूट थ्री कैंसिल, इसका जवाब आ गया टू अंडर रूट टू। फर्स्ट फाइंड आउट जो हमने बल्कि क्यू माइनस वन अपॉन क्यू वो ये आ गया बस टू अंडर रूट टू, ये पहला आंसर है। इसके बाद एक रिक्वायरमेंट हमारी क्यू स्क्वायर प्लस वन अपॉन क्यू स्क्वायर की है, ज़्यादा इसको मैं मिटाता हूँ और इस वैल्यू को अब इस वैल्यू की मदद से हम मालूम करेंगे क्यू स्क्वायर प्लस वन अपॉन क्यू स्क्वायर। तो q माइनस वन अपॉन क्यू किसके इक्विवेलेंट है हमारे पास प्लस टू अंडर रूट टू के। टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स तो क्या हो जाएगा, q माइनस वन अपॉन क्यू पे होल स्क्वायर लगा दिया हमने और टू अंडर रूट टू पे भी हमने होल स्क्वायर लगा दिया। तो यहाँ पे हम अब फॉर्मूला जो अप्लाई करेंगे वो प्लस का नहीं बल्कि माइनस का अप्लाई करेंगे, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होगा, ए स्क्वायर का मतलब क्यू स्क्वायर माइनस का टू ए बी, टू ए ए का मतलब क्यू और बी का मतलब वन अपॉन क्यू और प्लस बी स्क्वायर का मतलब वन अपॉन क्यू के स्क्वायर इज इक्वल टू, आप देखिए टू का स्क्वायर फोर हो जाएगा, रूट टू का स्क्वायर टू हो जाएगा, तो फोर टू द एट मैंने डायरेक्ट खोल लिया है, समझा भी दिया है, ये क्यू कैंसिल। तो क्यू स्क्वायर माइनस टू प्लस वन अपॉन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एट, क्यू स्क्वायर प्लस वन अपॉन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एट में प्लस टू ऐड करेंगे तो टेन आंसर। ये हमारे पास आंसर आ गया क्लास किसका, क्यू स्क्वायर प्लस वन अपॉन क्यू स्क्वायर। इस तरह क्लास हमारे क्वेश्चन हमारे जो सॉल्व हो चुके हैं वो क्वेश्चन टेंथ को मैं अलग से भेज रहा हूँ क्लास। यहाँ पे देखें इफ क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट थ्री, और जब इसको हम सॉल्व में उतारते हैं तो ऐसे ही उतार लेते हैं, लेकिन मैंने आपको बता चुका हूँ कि ये वन जो है क्यू तमाम वैल्यूज़ के नीचे होता है, इसलिए क्योंकि हमें वन अपॉन क्यू मालूम करना है, इसलिए जब हम वैल्यू को पलटेंगे तो वन अपॉन क्यू हमारे पास आ जाएगा वन अपॉन अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट थ्री। इसी तरह इसके जब हम रैशनलाइज करेंगे तो इसके नेगेटिव अपोजिट साइन से सेम वैल्यू लेते हुए, अपोजिट साइन से हम सेम वैल्यू लेते हुए इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो रूट टू माइनस अंडर रूट थ्री ये वन से मल्टीप्लाई होने के बाद यही वैल्यू आ गई रूट टू माइनस अंडर रूट थ्री अपॉन रूट। अब ये ए प्लस बी और ए माइनस बी ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ए क्या है हमारे पास अंडर रूट टू, इसका स्क्वायर जब हम लेंगे तो हमने स्क्वायर ले लिया माइनस ये अंडर रूट थ्री हमारे पास एज ए बी है, तो यहाँ पे इसका भी स्क्वायर ले लेंगे, इसका रिजल्ट क्या आएगा क्लास, वन अपॉन क्यू इज इक्वल टू रूट टू माइनस अंडर रूट थ्री, ये तो ऐसे ही आ जाएगा, ये टू का बाहर आएगा और ये माइनस का थ्री। ज़्यादा आगे चलते हुए हम देखते हैं अंडर रूट टू माइनस अंडर रूट थ्री अपॉन माइनस वन, इस माइनस वन को जब हम ऊपर थ्रू आउट मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अंडर रूट थ्री और माइनस प्लस माइनस अंडर रूट टू हो जाएगा। ज़्यादा क्लास हमने क्या मालूम किया वन अपॉन क्यू, इसके बाद हम फर्स्ट वैल्यू मालूम करेंगे क्यू प्लस वन अपॉन क्यू, तो क्योंकि हम क्यू भी क्यू हमें गिविन था और वन अपॉन क्यू हमने मालूम कर लिया, ज़्यादा इन दोनों को ऐड करेंगे क्यू प्लस वन अपॉन क्यू तो इज इक्वल टू ये क्यू की वैल्यू आ गई प्लस ये वन अपॉन क्यू की वैल्यू आ गई, तो अंडर रूट टू और अंडर रूट टू एक प्लस एक माइनस की होने की वजह से ये दोनों आपस में ऐड हो गए, ज़्यादा क्यू प्लस वन अपॉन क्यू हमारे पास क्या आ गया टू अंडर रूट थ्री। अब हम टेकिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे इस वैल्यू के ऊपर, तो देखिए हमने स्क्वायर लगाया यहाँ स्क्वायर लगाया हमने ये स्क्वायर के फॉर्मूले से खुल गया ए प्लस बी होल स्क्वायर के, जो कि ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, यहाँ पे क्यू स्क्वायर प्लस वन अपॉन क्यू स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी हो गया इज इक्वल टू टू का स्क्वायर फोर होता है रूट थ्री का स्क्वायर थ्री होता है, तो फोर थ्री दैट ट्वेल्व इस तरह आ गया, ये क्यू क्यू कैंसिल हो गया टू बचा, टू को हमने बराबर में शिफ्ट कर दिया यानी क्यू स्क्वायर प्लस वन अपॉन क्यू स्क्वायर प्लस टू इक्वल टू ट्वेल्व और टू जब यहाँ शिफ्ट करेंगे लास्ट तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा टेन, ज़्यादा क्यू स्क्वायर प्लस वन अपॉन क्यू स्क्वायर हमारे पास आ गया टेन के। अब आखिरी वैल्यू क्लास हमारे पास रहेगा ये कि हम इसका फोर पोजीशन वाली मालूम कर लें, तो जगह स्पेस ना होने की वजह से मैं इसको यहाँ मालूम कर लेता हूँ, इसके बाद यानी कि क्यू क्यू की पावर आपके पास क्या थी, आप क्यू स्क्वायर प्लस वन अपॉन क्यू स्क्वायर आपके पास किसके इक्विवेलेंट आ गया टेन के, तो वंस अगेन टेकिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड्स हम दोबारा करते हैं, तो क्यू स्क्वायर प्लस वन अपॉन क्यू स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू टेन के ऊपर स्क्वायर आ गया क्लास, ठीक है। अब इसके ऊपर हम दोबारा ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो देखते हैं यानी कि क्यू फोर हो जाएगा हमारे पास प्लस क्यू वन अपॉन क्यू फोर हो जाएगा और प्लस टू क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई वन अपॉन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू टेन का स्क्वायर हंड्रेड,
अब ये चीज़ कैंसिल हो गई और Q4 प्लस वन अपॉन Q4 इज इक्वल टू 10 माइनस का 2 इज इक्वल टू 8, यानी Q4 प्लस वन अपॉन Q4 इज इक्वल टू 8, सॉरी ये 100 था, ये गलती हो गई थोड़ी सी, 100 में से हम 2 को माइनस करेंगे तो ये 98 हो जाएगा। ठीक है क्लास, 100 में से हम 2 को माइनस करेंगे तो 98 हो जाएगा, जैसा Q4 प्लस 1 अपॉन Q4 की वैल्यू हमारे पास आ गई 98। ये क्वेश्चन 10 खत्म हो गया क्लास हमारे पास। अब इस पूरी एक्सरसाइज को जून जुलाई हमारे एंड हो गया, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हमारा अगस्त के वाले से होगा चैप्टर 4। थैंक यू वेरी मच क्लास, 9 and 10 मॉर्निंग एंड आफ्टरनून शिफ्ट। आज हम अपने जो रिमेनिंग क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.8 के उनकी जानी पड़ते हैं। उसमें पहला क्वेश्चन है हमारे पास y, इफ y इज इक्वल टू अंडर रूट 5 माइनस 2 फाइंड y प्लस 1 y प्लस 1 अपॉन y कॉमा y माइनस 1 अपॉन y एंड y स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन y स्क्वायर। ये तीन वैल्यू हमें यहाँ पे क्लास कैलकुलेट करनी है। सॉल्व में जब हम आते हैं तो हम देखते हैं हमें सबसे पहले जो जरूरत है वो 1 अपॉन y की है। सबसे पहला फाइंड आउट हमारा क्या है, 1 अपॉन y, उसको हम मालूम करेंगे। y की वैल्यू क्योंकि हमें गिवन है, y इज इक्वल टू अंडर रूट 5 माइनस का 2, और मैं आपको बता चुका हूँ हर एलिमेंट्स के नीचे 1 होता है। ठीक है, इसलिए इन वैल्यूज के भी 1 है। जब इसको हम पलट देंगे तो हमें 1 अपॉन y मिल जाएगा, और इसकी वैल्यू पलटने के बाद ये चीज़ आ जाएगी रूट 5 माइनस का। अब इसके हम मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग करेंगे, इसके बाद इसके रैशनलाइज, सिर्फ साइन चेंज होगा इसमें क्लास, जो कि रूट 5 प्लस 2 अपॉन रूट 5 प्लस 2, बाकी वैल्यू वही रहेगी। और देखिए यहाँ पे वही सेम फॉर्मूला पर इस्तेमाल होता है, जैसे रूट 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 1, तो ये इसका रिजल्ट ऐसे ही आ जाएगा रूट 5 प्लस 2 और अपॉन, यहाँ पे a हमारे पास रूट 5 है और 2 हमारे पास t है, रूट 5 का स्क्वायर का मतलब 5 बाहर आ गया इसमें से, और माइनस का 2 इसका मतलब है 4 हो गया। ज़्यादा हमारे पास जवाब क्या आ गया क्लास, रूट 5 प्लस का 2 अपॉन 1 जो कि इक्वलेंट है रूट 5 प्लस 2 के, यानी 1 अपॉन y की वैल्यू हमारे पास यहाँ से लगाई 5 प्लस। अब सबसे पहले हमें मालूम क्या करना है, यहाँ पे देखो y प्लस 1 अपॉन y, ये हमें मालूम करना होगा। y की वैल्यू हमें गिवन थी रूट 5 माइनस का 2 और प्लस 1 अपॉन y की वैल्यू हमारे पास क्या है, रूट 5 प्लस का 2। ये माइनस 2 और प्लस 2 कैंसिल, इससे हमारे पास हासिल क्या हो गया, रिजल्टेंट क्या आ गया हमारे पास, रूट 5 का एडिशन क्या हो गया, 2 अंडर रूट 5। तो हम कह सकते हैं हमारे पास y प्लस 1 अपॉन y किसके इक्विवेलेंट आ गया, 2 अंडर रूट 5। इसी तरह अब हम y माइनस y मालूम कर सकते हैं, यानी y माइनस 1 अपॉन y इज इक्वल टू, हमारे पास वैल्यू क्या है y की, अंडर रूट 5 माइनस 2 और माइनस 1 अपॉन y की वैल्यू क्या है हमारे पास, रूट 5 और प्लस 2, मैंने यहाँ लिख दिया जगह नहीं। अब y माइनस 1 अपॉन y इज इक्वल टू अंडर रूट 5 माइनस का 2 माइनस प्लस माइनस का अंडर रूट 5 हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस का 2 हो जाएगा। लिहाजा यहाँ पे देखें रूट 5 और रूट 5 प्लस माइनस होने की वजह से कैंसिल हो गया और एडिशन आ गया हमारे पास माइनस का 4, यानी y माइनस का 1 अपॉन y इज इक्वल टू माइनस का 4। आखिरी वैल्यू प्लस हमारे पास है y स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन y स्क्वायर, इसको मैं पहले वाले ग्रुप कर रहा हूँ। और अब हम जो जिस जानी पढ़ रहे हैं उसमें हमें देखिए y प्लस इसके बाद जो स्टेप है, ये हमारे पास आंसर आ गए 3, ये दूसरा आंसर था क्लास, ये पहला आंसर था। अब तीसरे पार्ट्स की जानी हम पढ़ना है, y प्लस 1 अपॉन y और y माइनस 1 अपॉन y इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 1 अपॉन y स्क्वायर, यानी a प्लस b a माइनस, तो इसका रिलेटेड हो गया a, यानी कि y स्क्वायर माइनस 1 अपॉन y स्क्वायर। इसमें हमने फॉर्मूला यूज़ किया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है क्लास, तो इस हवाले से हम y प्लस 1 अपॉन y की वैल्यू हमारे पास जो है जवाब आंसर नंबर 1 में है 2√5, ये हमारे पास इसकी वैल्यू हो गई, और आंसर नंबर 2 में हमारे पास है y माइनस 1 अपॉन y इज इक्वल टू 4 माइनस का 4। लिहाजा y स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन y स्क्वायर किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, इसको मैं सीक्वेंस में लिख रहा हूँ, therefore y स्क्वायर माइनस 1 अपॉन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टू द 8 माइनस के साथ अंडर रूट 5। ये हमारा लास्ट आंसर था प्लस। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 की जानी पढ़ते हैं, क्योंकि 6 बिल्कुल सेम है इसी की तरह। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 की जानी पढ़ते हैं, और 6 आप होमवर्क कर लीजिएगा इसको।
ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चन का वो है जो मैं आपको बोर्ड पे करा रहा, और अदरवाइज जो आप रिमेनिंग क्वेश्चन है जो या जो आपने होमवर्क दिए वो आप अपनी डायरी पे भी कर सकते हैं या प्रैक्टिस रजिस्टर बनाते हुए उस पर भी कर सकते हैं। क्वेश्चन 7 हमारे पास गए, इफ वन अपॉन एक्स इज गिवन बाय 7 प्लस 4 अंडर रूट 3, फाइंड द वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू हमें मालूम करनी है। अब हमारे पास सिर्फ जो गिवन है वो 1 अपॉन एक्स है, अब हम सॉल्व करते हैं इसको प्लस, तो 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू ये गिवन वैल्यू प्लस 4 अंडर रूट 3, तो इसके नीचे भी 1 है। अब इन वैल्यू को अगर हम पलट दें तो हमें x मिल जाएगा, यानी x ऊपर चला गया, सेम हमने क्या करा ये चीज़ नीचे आ गई, देखिए 7 प्लस 4 अंडर रूट 3। अब इसकी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई हम और डिवाइड करेंगे, 7 माइनस 4 अंडर रूट 3 अपॉन 7 माइनस 4 अंडर रूट 3, तो 7 माइनस 4 अंडर 3 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन, ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला बन गया, यहाँ पे ए क्या है 7, 7 का स्क्वायर 49, और 4 अंडर रूट 3 को जब हम स्क्वायर लेंगे इस तरह के फॉर्म में लाएंगे, पहले मैं लिख देता हूँ, अगले स्टेप में इसको सॉल्व कर लेता हूँ ताकि आपको पता चले, 7 माइनस अंडर रूट 7 माइनस 4 अंडर रूट 3 अपॉन 49, देखिए 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और अंडर रूट 3 बाहर निकल के आएगा, तो 16 3 जा 48। एक्स किसके बराबर आ गया क्लास हमारे पास, 7 माइनस 4 अंडर रूट 3 अपॉन 1, या एक्स बराबर आ गया हमारे पास 7 माइनस 4 अंडर रूट 3, ये हमारे पास एक्स है, ठीक है क्लास। अब हमें एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स मालूम है, तो हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मालूम कर सकते हैं, जैसे एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले हम एक्स किसके बराबर है हमारे पास जो हमने मालूम किया है, देयरफॉर माइनस का 4 अंडर रूट 3 और प्लस 1 अपॉन एक्स किसके इक्विवेलेंट है हमारे पास, प्लस मैं नीचे दिख रहा हूँ इस वैल्यू की कोई जगह नहीं है, 7 माइनस का 4 ये प्लस था हमारे पास, 1 अपॉन एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये प्लस में है और एक्स की वैल्यू हमारे पास माइनस है, 4 अंडर रूट 3, ये एक्स की वैल्यू और ये 1 अपॉन एक्स की वैल्यू, देखिए माइनस का 4 अंडर रूट 3 और माइनस का 4 अंडर रूट 3 कैंसिल हो गया, 7 प्लस मिल के 7 क्या हो जाएंगे 14, तो आपके पास x प्लस 1 अपॉन x क्या आ गया क्लास 14। अब हम मालूम करना चाहेंगे अगली वैल्यू, मैं इसको रब कर रहा हूँ, इसी सवाल की कंटिन्यूटी आगे से है, देखें x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 14, टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, x प्लस 1 अपॉन x पे स्क्वायर लगाया हमने और 14 पे स्क्वायर लगाया, इसको हम फॉर्मूले से खोलेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर के, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर का मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा x स्क्वायर बी और 2ab, 2a a का मतलब x, b का मतलब 1 अपॉन x, प्लस b स्क्वायर का मतलब 1 अपॉन x पे स्क्वायर इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 196, ये x और ये x कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस का 2 प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 196, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 196 माइनस का 2 इज इक्वल टू 194, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 194, ये एक हमारा पास रिजल्ट है। अब हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की जानकारी देखते हैं, मैं इसको रख कर रहा हूं, क्लास हमारे पास x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू मौजूद है, अब हम
सेवन प्लस फोर अंडर रूट थ्री, ये वैल्यू आप हमारे पास गिवन है 1.x की, और प्लस हमारे पास जो वैल्यू गिवन थी x के हवाले से वो आई थी हमारे पास 7 माइनस 4 अंडर रूट थ्री। हमने ये x प्लस 1.x की वैल्यू मालूम की जो कि इक्विवेलेंट आई थी हमारे पास 14 के, ये इस तरह इससे हमने ये रिजल्ट हासिल किया 14। तो क्या हम इसी तरह x माइनस 1.x भी मालूम कर सकते हैं? तो x की वैल्यू क्या थी हमारे पास क्लास, x की वैल्यू जो हमने मालूम की थी वो 7 माइनस 4 अंडर रूट थ्री थी, और माइनस इस वैल्यू को हम देखते हैं 7 प्लस 4 अंडर रूट थ्री, या समझ आइएगा इसको, ये अंडर रूट थ्री है। x माइनस 1.x इज इक्वल टू 7 माइनस 4 अंडर रूट थ्री, और अब इसको हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हुए खोलेंगे तो माइनस प्लस माइनस 7 और माइनस प्लस माइनस का 4 अंडर रूट थ्री। तो देखिए यहाँ पे 7 कैंसिल हो गया एक माइनस और एक प्लस का, लेकिन एडिशन किसी में हो गया माइनस और माइनस मिलके माइनस का 8 अंडर रूट थ्री, ये हमारे पास आ गया x माइनस 1.x। यानी हम कह सकते हैं कि हमारे पास x प्लस 1.x 14 है और x माइनस 1.x इज इक्वल टू माइनस का 8 अंडर रूट थ्री है। और हम जानते हैं ये बात कि इसमें एक वैल्यू a माइनस बी के हवाले से है और एक a प्लस बी के हवाले से। तो अपनी बात को आगे रखते हुए हम जारी मतलब क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए हम क्या करते हैं कि x प्लस 1.x ये हो गया a प्लस बी, और x माइनस 1.x ये हो गया a माइनस बी, जो कि इक्विवेलेंट होता है x स्क्वायर माइनस 1.x स्क्वायर। इस फॉर्मूले की मदद से ये जो हमें मालूम करना है इन दोनों की मदद से हम इस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको हम तरतीब में रखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1.x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1.x, हमने क्या हासिल किया था 14, तो हमने इसकी जगह पे 14 रखा, और एक्स माइनस 1.x हमने क्या हासिल किया था माइनस का 8 अंडर रूट 3। अब हम 14 को 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, रफ वर्क यहाँ कर लें, 32 2 3 8 1 8 और 3 11 हो गए 112, यानी क्या जवाब आ गया माइनस का 112 अंडर रूट 3, ये आपके पास वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की। क्लास ये हमारे आज क्वेश्चन 7 नंबर हो गए। अब हम अपने